हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉबी मास्टर चैनल। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं शिव मंदिर शिव पहाड़ दुमका में। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें माँ शीतला और काल भैरव, बाबा काल भैरव के दर्शन हुए। कहा यह जाता है कि यह दोनों इस मंदिर की रक्षा करती हैं। माँ शीतला इस पूरे मंदिर परिसर को शीतल रखती हैं, एवं काल भैरव जो काल समान है वह समय को भी रोक देते हैं इस मंदिर की रक्षा के लिए। तो फ्रेंड, अब हम लोग नाग मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। शेष नाग मंदिर या नाग मंदिर ऐसा प्रतीत होता है कि यह नाग मंदिर के नीचे भगवान शिव विराजमान है, भगवान शिव का यहाँ वास है। तो यह नाग मंदिर क्या दर्शन हम लोग करेंगे धीरे धीरे। प्राचीन पता नहीं कितने करोड़ों साल पहले के ये चट्टान और जिस पे यह मंदिर का परिसर खड़ा किया गया है, और यह सबसे ऊंचा स्थान दुमका का जहाँ पे पूरा नगर आपको दिखेगा, ये है नाग मंदिर। तो स्वागत है हमारे चैनल में। तो देख सकते हैं कि ये जो दुमका है, ये दुमका का सबसे ऊंचा जगह है शिव पहाड़। और ये इधर शिव मंदिर है और ये हमारा नाग मंदिर है। इधर देख सकते हैं, इधर ऊपर की साइड, ये सबसे ऊँचा जगह में आता है। दुमका में सबसे ऊँचा जगह माना जाता है शिव पहाड़। चलिए मैं धीरे धीरे चढ़ता हूँ, इधर से दिखाता हूँ कि कैसा नज़र आता है हमारा पूरा जो दुमका है, दिखाता हूँ। इधर आइए, तो गाइस देख सकते हो यहाँ से पूरा जो दुमका है वो पूरा नज़र आता है, ऐसा दिखता है पूरा दुमका। देख लीजिए, इधर से सबसे ऊंचा जगह माना जाता है ये दुमका का शिव पहाड़। इधर घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह, इधर नया सीढ़ियों का निर्माण किया गया है अभी हाल फिलहाल में। इधर काफ़ी लोग घूमने भी आते हैं, छुट्टियां मनाने आते हैं, इधर पिकनिक भी मनाया जाता है अभी नया साल में, भीड़ भी लगता है। इधर घूमने के लिए आप लोग भी आ सकते हैं शिव पहाड़। कहीं पर भी पूछ लीजिएगा शिव पहाड़ किधर है तो आपको यहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। देख सकते हैं बढ़िया, अच्छा से देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए। और उधर जो मेन गेट है उधर मैं सर दिखा देंगे उधर, ठीक है चल। यहाँ अलग ही शांति है, यहाँ पर आके आप लोग घूम सकते हो, यहाँ पर अलग ही शांति है, यहाँ पर मन शांत हो जाता है। यहाँ पर आके अलग ही हवा है, अलग ही शांति है, प्रकृति में बसा हुआ पहाड़ शिव पहाड़। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सब कुछ तो बता ही दिए, अब चलिए आप लोग नाग मंदिर का दर्शन कराते हैं। चलिए धीरे धीरे, मित्र भी आए हुए हैं घूमने के लिए। ये है हमारे दोस्त का नाम है, इसका नाम है देवा और इसका नाम है अर्जुन। तो चलिए तो नाग मंदिर के दर्शन करा देते हैं, चलिए। और यहाँ पर आइएगा तो जरूर से ज़रूर दर्शन कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। इसके बाद अब तो गाइस देख सकते हैं, अभी ये तो फिलहाल अभी ये ताला बंद है, इसे खोलने की अनुमति नहीं है। और जब ये पूजा वगैरह कुछ भी दुर्गा पूजा वगैरह कुछ भी पूजा होता है तो ये इसे खोलने की अनुमति दी जाती है। देख सकते हो ये ताला बंद है अभी फिलहाल, कभी पूजा वगैरह होता है तो खुला रहता है। मैं तो आप लोगों को दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूँ कि इधर से कैसे यहाँ तक कैसे आना है। देख सकते हो उधर से सीढ़ियाँ बनी हुई है, उधर से थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा लेकिन मैं दिखा देता हूँ। उधर से होते हुए आते हैं, इधर एक सीढ़िया है और एक उधर है मंदिर उधर जो मेन मंदिर है उधर से भी आ सकते हैं। और एक अभी नया फिलहाल बना है इधर से,
दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी उधर से आते हैं लोग और इधर से ही आते हैं, तब मैं उधर थोड़ा मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। चलिए अच्छा किए थे आगे घूमने। ये है छोटा जो मंदिर का रास्ता है, ये थोड़ा पीछे के रास्ते से, ये पीछे का रास्ता है, इधर से होते हुए इधर से भी घुस सकते हैं। और ये जो इधर चिल्ड्रन पार्क है, चिल्ड्रन पार्क, और इधर से भी लोग आते हैं, जिसको इधर से घूम के नहीं आना आता है वो इधर से आ जाता है। इधर भी एक मेन गेट है, ये दूसरा मेन गेट है। तो चलिए अब मैं मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। तो गाइस हम लोग मंदिर के सेंटर पे आ चुके हैं। ये जो हमारा इधर मंदिर का बीच में हम लोग खड़े हैं, अभी हमारे जो कैमरा मैन है वो चारों तरफ घुमा के जो पूरा दिखा देंगे। कैमरा मैन तरह घुमा के दिखा दीजिए पूरा ऊपर, हल्का ऊपर करके। ये गाइस देख सकते हो काफ़ी बड़ा मंदिर है, और अभी इधर निर्माण भी अभी बन रहा है उधर मंदिर, देख सकते हो। अगर कोई कभी आए मंदिर के तो दर्शन जरूर कर लीजिएगा। तो गाइज अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही नाग मंदिर से घूम के आए हैं, और देख सकते हो यहाँ भी एक नाग का विराजमान है अभी भी यहाँ पर, और एक तो चलिए दोस्तों आइए अब नागेश्वर दर्शन करते हैं। चलिए आइए धीरे धीरे। हरे 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 महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। महादेव काफ़ी दूर से आए हैं पूजा करने के लिए, देख सकते हो। यहाँ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, आप लोग भी आइए। लोग बहुत यहाँ श्रद्धा से आते हैं। बाबा है, अगर शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर इनके कान में कुछ भी, अगर आपकी मनोकामना इनके कान में चुपके से बोला जाए तो ये शिव भगवान तक पहुंचाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और आप लोग भी आए तो जरूर कुछ ना कुछ मनोकामना पूरा कर ले। तो भाई ये आरती लिखा हुआ है, और जिसको याद नहीं है वो यहाँ पर पढ़ कर आरती कर सकते हैं। यहाँ पर भी इस साइड भी लिखा हुआ है, हर मंदिर में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जिनको नहीं याद है उनके लिए है, सुविधा के लिए, देख सकते हो। इधर भी थोड़ा दिखा दीजिए। तो भाई यहाँ पर एक लाइन देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत के संकट दूर करहु बाबा वासुकी, बाबा वासुकी जय हो, बाबा वासुकी। इसे संगमरमर की शिव भगवान की मूर्ति है, माताएं बहनें सभी सभी पूजा करने आती हैं, देख सकते हो संगमरमर की मूर्ति है गाइस, अच्छा से देख लो। भाई जी देख सकते हो कि ये कोई भी पूजा तुलसी पत्ता के बिना पूरा नहीं होता, यहाँ तुलसी महारानी को भी जगह दिया गया है।
देख सकते हो। तो गाइस शिव मंदिर तो देख चुके हैं अभी, काफ़ी देवी देवताओं का मंदिर है, थोड़ा घूम लेते हैं। अच्छे चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, इधर से। ये रहा हमारा पहला, जय श्री राम, जय श्री राम। ये राम मंदिर है और इसके आप परिक्रमा भी कर सकते हैं, तो आइए हम लोग साथ एक परिक्रमा कर लेते हैं। चलिए राम राम जय राम 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 जय अभी जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो ये देख सकते हो ये पहला मंदिर है जो अभी ये निर्माण कार्य हो रहा है, और इधर शायद और भी बनेंगे, तो तब अभी तो ये फिलहाल अभी बन रहा है, तो देख सकते हैं अभी इधर घूमते हैं दूसरे मंदिर की तरफ जाते। चलिए महाराज है, इनको भी नमस्ते कर। जय हो शनिदेव। जय हो बगुला माँ की, जय हो बगुला की। ये गौरी माता का के दर्शन कर लेते हैं हम लोग। चलिए जय हो माँ गौरी, जय हो माँ गौरी। तो गाइस ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, चलिए इसके भी दर्शन कर लेते हैं। चलिए जय हो माँ पार्वती, जय हो माँ पार्वती जी। यहाँ गणेश जी भी विद्वान है, देख सकते हो। तो यहाँ दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ माँ पार्वती भी है, देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो ये झारखंड में आप कहीं भी घूमने जाएं तो आपको हर जगह एक चीज़ सेम देखने को मिलेगी, कि जो शिव भगवान का मंदिर है और जो माँ पार्वती के मंदिर है वो हमेशा हर जगह आमने सामने ही रहती है, और दोनों को आमने सामने इसलिए रखा जाता है ताकि धागा से दोनों को जोड़ दिया जाता है, और आपको कहीं भी इसका टुकड़ा शिव मंदिर के शिव मंदिर के शीर्ष और माँ पार्वती के शीर्ष को दोनों को धागों से जोड़ दिया जाता है, और कहीं भी आपको इसका टुकड़ा गिरा हुआ मिले तो इसे भक्त लूट लेते हैं। अब चलिए गाइस सब कुछ तो दिखाई दिए, अब आप थोड़ा सा पंडित जी के साथ बातचीत कर लेते हैं। चलिए निरंतर मन लगा कर जो काशी दूर करो विपतासी तन की जन्म जन्म से पद पासी कैलाशी काशी के वासी बाबा अविनाशी मेरी सुधरी जो सेवक जान सदा चरणन को अपने जान की पाकी जो आप तो प्रभु जी सदाशी ने बाबा अब गुण मेरो सब ढकियो सब अपराध क्षमा कर शंकर कंकर की विनती सुनियो अभय दान दियो प्रभु मौको सकल सकल दुष्ट के हितकारी भोलेनाथ बा भक्त निरंजन भवंजन वशुभकारी काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दरिद्र हरो नमामि शंकर भजाय भोले बाबा हर संग आप सुरनम हे बाबा भोलेनाथ कृपा करके बाबा भोलेनाथ भूल चुके आपको तो गाइस यही है भक्ति, और भक्ति में ही होती है शक्ति। तो गाइस यही है भक्ति, और भक्ति सरस्वती का दर्शन करते हैं। जय हो माँ सरस्वती, जय हो माँ सरस्वती, जय हो माँ सरस्वती। संगमरमर से बना हुआ बहुत ही पावन मूर्ति,
संगमरमर से बना हुआ पावन मूर्ति माँ सरस्वती। पंच धातु से बनी माँ संतोषी की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। काली के हम लोग अभी दर्शन करने वाले हैं। इसका जो दरवाजा है वो खुलता भी है, लेकिन अब फिलहाल अभी इसे ताला बंद करके रखा गया है। तो गाइस ये माँ की पत्थर की मूर्ति भी है, देख सकते हैं, इसे बगल में बनाया गया है। जय माँ काली की जय। विश्व में हर जगह पेड़ ही काटा जा रहा है और यहाँ पर मंदिर तक बना दिया गया है, लेकिन पेड़ को बचाकर इसे पूजा किया जाता है, देख सकते हो। तो गाइस यही है हमारा सनातन धर्म और ये हमारी माता पूजा कर रही है, देख सकते हो गाइस। तो गाइस देख सकते हो हमारे मित्र जो आए हुए हैं यहाँ माता के मंदिर के दर्शन करें, वही जरा आप बताएं कि आप कहाँ से आए दर्शन। जी हाँ, यहीं पे हम लोकल ही दुमका में रहते हैं, पोखरा चौक के पास। आपका अपना नाम बताइए। मयंक जायसवाल मेरा नाम है और हम यहाँ पूजा करने के लिए आए। जी का क्या आप प्रतिदिन आते हैं? जी प्रतिदिन तो नहीं आते, यहाँ जब मौका मिलता है तब आते हैं। तो गाइस आजकल देखा जा रहा है कि सारे लोग जो है मोबाइल फ़ोन गेम्स टीवी में जो व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो हमारे मित्र है वो समय निकाल कर मंदिर में दर्शन करने आए हैं, पूजा करने के लिए आए हैं। समय बहुत धन्यवाद भैया आपको। धन्यवाद। काल भैरव और वो है वहाँ काली, वहाँ माता काली है। ये काल भैरव को सामने क्यों रखा गया? काल भैरव लगा काल काल से रोकता है, काल को रखता है, रक्षा है। और शीतला जो है और जो क्षेत्र में जो हम गया है उनको करने के लिए अपना हम लोग का समक रखते हुए हैं, कुछ करने नहीं देते हैं, इनका ही है शीतल। इस सब चीज़ को सबको शीतल रखते हैं, इसको शांति तुरंत रखते हैं, इनका ही। तो भाई हम लोगों ने पंडित जी से बात कर लिया है और वो पंडित जी और कुछ ये जगह जो है ये पुराना, ये हम लोग का कितना पुराना है उस खास हम लोग को आई हो से है। बहुत दाद बजा कर परदादा कितना दादा चला गया हमको कहने में। ये जो है कि यहाँ के जो बाबा देख रहे हो ये अपरूपी है, ये प्रतिष्ठा हुआ नहीं है। और जगह धर देघर बस की यहाँ बहुत इलाका घूम लिया मंदिर, लेकिन इससे गड्ढा मिलता है कहाँ है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ गड्ढा है। और वो जो देखते हैं मंदिर जो पहाड़, वो पहाड़ उनका चटा के उनका वहाँ जो है कि जो कोई यहाँ सुत जाएंगे उनका है कि वहाँ सूखने के बाद कान आड़ के सुतेंगे तो बुझाएगा कि घुंघरू बज गए, घुंघरू बज गए। यहाँ जो नाग थे अब हम नाग हैं, अभी किसी को आज तक भगवान में दया से कुछ हुआ नहीं, संपूर्ण है। और सबसे बेहतरीन होता है हम लोग का उसमें सावन और आपका जो है शिवरात्रि, महान महान शिवरात्रि। यहाँ जितने भीड़ होते हैं हम लोग उनका जिला पर भीड़ होता है।
जितना पूरा टाउन है अंदर जगह बड़ा मेला महाशिवरात्रि दुमका सुपार। धन्यवाद धन्यवाद। आपका शुभ नाम? हमारा नाम गंगाधर तिवारी। गंगाधर तिवारी तिवारी। तो गाइस पूजा करने आए तो हमारे पंडित जी से पूजा अवश्य करवा लें। धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आप थोड़ा बाहर की ओर दर्शन करते हैं। चलिए दिन पर तो दिखाई दिया, पंडित जी से बात भी कर लिया, पंडित जी के आशीर्वाद ले लेते हैं। तो गाइस बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद देना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बाहर की ओर जाते हैं और एक मंदिर है वहाँ का दर्शन कर लेते हैं। चलिए फिर मिलना मिला। धन्यवाद पंडित जी। तो गाइस ये दुर्गा मंदिर है जो मुख्य द्वार पर स्थित है और मैं इसकी खासियत बताने वाला हूँ कि यहाँ की खासियत क्या है। चलिए तो गाइस ये जो है ये विसर्जन होता है तो इसे पुनः वापस लेके आया जाता है और इसमें पुनः मूर्ति बनाया जाता है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगता है। दुर्गा पूजा, काली पूजा, महाशिवरात्रि, सारा मेला, बहुत काफ़ी बड़ा मेला लगता है दुमका सीपाड़ में, देख सकते हो। सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम जय सीताराम, हर हर महादेव, बम बोले बम 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 बम। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को इधर ही हम लोग करते खत्म। मैं गौतम झारखंड से, बाय।